उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे घर में अपने। तो आज मैं आपको यानी 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ मिनरल न्यूट्रिशन का टॉपिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन तो ये जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसका मतलब क्या है, पहले हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस इन विच एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस की जो हमने दो रिएक्शंस पढ़ी है लाइट एंड डायरेक्ट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी मॉलिक्यूल का पैदा होना, इसी को कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इन क्लोरोप्लास्ट्स, ये पूरा ये जो प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट्स में होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स इन टू वे। ये फोटोफॉस्फोरिलेशन के दो तरीके का है, यानी एक है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन और दूसरा है साइक्लोफॉस्फोरिलेशन। यानी एक का नाम है, ये जो दो फॉस्फोरिलेशन है एक का नाम है नॉन साइक्लिक और दूसरा एक का नाम है साइक्लिक। अभी हम इसको अलग अलग लेते हैं, पहले हम लेते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो इसका मतलब क्या है, वेन मॉलिक्यूल इन दी फोटो सिस्टम फर्स्ट। अब मैंने इसे पहले भी बताया दो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड। इन फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड। इन्हें जब फोटो सिस्टम फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, सो द वन इलेक्ट्रॉन होल इज मेड इन द, जो जब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है तो वहां एक होल बन जाता है जिसको इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं PS1 में। दिस इलेक्ट्रॉन इज नाउ ट्रांसफोर्ड टू फेरोडॉक्सिन टू रिड्यूस NADP पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन PS1 से खारिज हुआ, रिलीज हुआ, ये कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, होता है ये फेरोडॉक्सिन में ट्रांसफोर्ड होता है टू रिड्यूस, ताकि NADP पॉजिटिव को रिड्यूस किया जाए। व्हेन द मॉलिक्यूल इन द PS2 गेट एक्साइटेड, और जब मॉलिक्यूल इस PS2 में एक्साइट होता है वहां भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, दे आर ट्रांसफोर्ड टू फिल, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ, PS1 सिस्टम में, ताकि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होल है वो उससे फिलअप हो जाए। और इसके लिए ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक है फोटोकाइनोन, दूसरा है साइटोक्रोम B6 और तीसरा है साइटोक्रोम F एंड फोटोसायनिन। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये इस पूरे सिस्टम में काम आते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफोर्ड बिटवीन फोटोक्विनिन एंड साइटोक्रोम एफ, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोर्ट होता है कहां से, प्लास्टोक्विनिन से साइटोक्रोम एफ तक, एडीपी इज फॉस्फोरिलेटेड टू एटीपी। तो एडीपी एटीपी यानी एडोसिन डाइफॉस्फेट एडोसिन ट्राइफॉस्फेट में तब्दील होता है, जो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। द होल इन द पीएस हैज बीन फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2। तो जो होल बना था PS1 में वो फिलअप हुआ उस इलेक्ट्रॉन से जो PS2 में रिलीज हुआ। देन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम PS1 टू NADPH2। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है PS1 से NADP पॉजिटिव तक फॉर रिडक्शन, वो जब वहां से रिड्यूस हो जाता है। देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, एंड द अकंपेनिंग फॉस्फोरिलेशन एज नॉन साइक्लिक फॉस्फोटो फॉस्फोरिलेशन। और वहां पर जो फॉस्फोरिलेशन होती मतलब होती है तो उसको नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। तो ये था नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के मुद्दे। अब साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन क्या क्या मतलब है, अंडर द कंडीशंस ऑफ, यानी ये जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है इसके लिए कुछ कंडीशन जरूरी होनी चाहिए। नंबर वन, PS1 ओनली रिमेन्स एक्टिव
PS1 ही होता है एक्टिव. नंबर टू, फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस, पानी की फोटोलिसिस नहीं होती है. रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी इज मोर, एटीपी की ज्यादा जरूरत है. एंड नंबर फोर, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनएडीपी पॉजिटिव. तो यहां पर एनएडीपी पॉजिटिव की नॉन अवेलेबिलिटी, यानी वो जब ये कंडीशन होंगी साइक्लिक फास्फोरिलेशन टेक्स प्लेस, फिर इन हालात में नॉन साइक्लिक नहीं बल्कि साइक्लिक फास्फोरिलेशन मतलब टेक्स प्लेस. व्हेन द मॉलिक्यूल इन द पीएस1 इज एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड, यानी जब मॉलिक्यूल्स PS1 में एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स छोड़े जाते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन इन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करता है थ्रू फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट के जरिए जिसको फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट कहा जाता है. ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, जब यह एनएडीपीपी में मौजूद नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फेराडॉक्सिन फॉल बैक, इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं टू द मॉलिक्यूल ऑफ PS1, वापस आते हैं PS1 में फोर सिस्टम वन में थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इन्हीं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की मदद से. दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, फैसिलिटेट द डाउन हिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इन्हें वापस ले जाते हैं, इन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपट्रो फ्रॉम एफ आर एस, यानी उसका क्या नाम है, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट टू कहां, पीएस फोटोसिस्टम फर्स्ट एक्ट. ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस ट्रांसपोर्ट के दरमियान टू फास्फोरिलेशन टेक प्लेस, यानी दो किस्म की फास्फोरिलेशन वहां हो जाती है. वन बिटवीन एक तो फेराडॉक्सिन और साइटोक्रोम के दरमियान, यानी साइटोक्रोम बी सिक्स के दरमियान, एंड द अदर बिटवीन और दूसरी जो फोटो फास्फोर वो कहां, साइटोक्रोम बी सिक्स एंड साइटोक्रोम एफ के दरमियान. दस टू एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, इस तरह दो एटीपी मॉलिक्यूल्स वहां पैदा होते हैं इन दिस साइकिल. तो इस तरह हमने समझ लिया कि साइक्लिक फास्फोरिलेशन में दो किस्म के, यानी दो किस्म, यानी दो किस्म नहीं बल्कि दो अदद एटीपी मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं. तो ये था साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन के मुतालिक. अब थोड़ी सी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है साइक्लिक फास्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन. फास्फोरिलेशन का क्या मतलब है, इट अकर्स ओनली इन फोटोसिस्टम वन. ये जो साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन है ये पीएस1 में होता है, और ये जो नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन है ये फर्स्ट एंड सेकेंड में होता है. तो नंबर टू, इट इन्वॉल्व ओनली द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यहाँ सिर्फ एटीपी पैदा होता है. इट इन्वॉल्व यहाँ पर एटीपी भी पैदा होता है और एनएडीपीएच2 भी पैदा होता है. तो नंबर थ्री, यानी तीसरी डिफरेंस क्या है, ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, इस साइक्लिक फास्फोरिलेशन में ऑक्सीजन पैदा नहीं होता है जबकि नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन में ऑक्सीजन इज लिबरेटेड. तो इस तरह आपने समझ लिया होगा कि फास्फोरिलेशन का मतलब क्या है. तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो फोन पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हो, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इंशाल्लाह. बाकी